प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम लोग मैथ का एक ऐसा फॉर्मूला शो करेंगे जो मेंसुरेशन चैप्टर से लिया गया है, जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन है हमारे पास कि सो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये कैसे पॉसिबल है कि इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि इतना के बराबर इतना आता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे कि एक हमारे पास ये ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी। तो मान लीजिए ये जो हमारे पास है कि यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल है जिसमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर साइड हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि सारा इसका साइड हमारा जो होता है इक्वल होता है। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू हम ए मान लेते हैं कि इसको लेट कर लिया कि ये सभी साइड जो है ए के बराबर है। उसके बाद हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो वर्टिक्स ए से होते हुए बी सी पर ड्रॉ होगी। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए जिसका नेमिंग हम कर लिए ए एल। जो ए एल जो होगा इस ट्रायंगल ए बी सी का हाइट होगा। तो इसको हम यहाँ मान लेते हैं कि यह जो है हाइट है ट्रायंगल ए बी सी का। अब इसके आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ए बी एल और ट्रायंगल ए एल सी। ये दोनों जो है राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा ए बी एल और ए एल सी। तो इस दोनों में से मैं एक ट्रायंगल का यूज करूंगा क्योंकि हमको इस ट्रायंगल ए बी सी का हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी एल एंगल एल इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लेते हैं। ये 90 डिग्री है इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस रूल, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ए बी बी सी और सी ए सभी जो है ए के बराबर है। तो ये भी ए के बराबर है। तो जब हमने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो ये टोटल ए था, तो ये बट के आ गया ए बाई टू और ये भी हो गया ए बाई टू के इक्वल। तो ए बाई टू और ए बाई टू ये यहाँ से हमारा बी एल मिला ए बाई टू और एल सी मिला ए बाई टू। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए बी एल में एल जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो हम यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो अब इसके अनुसार हम इसको क्या करते हैं कि पाइथागोरस रूल के अनुसार ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर में से हम बी एल स्क्वायर को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जिसमें हमारा ए एल जो है परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये हमारा बेस है ट्रायंगल ए बी एल में। तो इसलिए हमको यहाँ से निकालना था हमको बी मतलब ए एल जो है, तो हमको पी यहाँ चाहिए। तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा मिलेगा। उसी के अनुसार मैंने इसको अरेंज किया है। अब यहाँ पर हमको पता करना है ए एल, तो ए एल इज इक्वल टू इसको हम ले जाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर। फिर अब इसमें हम इसको मान को भरेंगे ए बी का, तो ए बी का मान है यहाँ पर ए स्क्वायर, इसका मान हो गया ए बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। और फिर इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 4a² माइनस a² बटे में 4। इसके बाद इसको मैं माइनस करूंगा 4a² में से a², तो यहाँ मिलेगा हमको 3a² बाई 4। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है नंबर है, तो यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा और a² का स्क्वायर रूट a आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा।
तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो हमारा आया आपका ये निकला एल, तो एल जो है ये हाइट है, यहाँ पर हमारा एल निकल गया, यही हाइट है हमारा रूट थ्री बाई टू ए। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास बेसिक फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखूंगा मैं यहाँ पे, और फिर इसके बाद हमारे पास फार्मूला है वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से फिर वन बाई टू बेस हमारा जो है टोटल बेस इसका जो है ए है जिस पर ये हाइट इंक्लाइन कर रहा है, यहाँ ए हो जाएगा और एच का वैल्यू हमारा निकला हुआ है रूट थ्री बाई टू ए। जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा आएगा रूट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। तो हमने कंसीडर किया था कि ए जो है ए बी बी सी और सी ए के बराबर है, ए बी बी सी और सी ए इस ट्राइंगल का साइड्स हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर। इस तरीके से हम ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या किया एरिया फार्मूला निकाला, जो एरिया फार्मूला हुआ थ्री रूट फाइव साइड स्क्वायर। आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।